सभी को हर हर महादेव और जय श्री राम दोनों। और अभी मैं हूँ, कल दिखाया था लास्ट को कि एक पेट्रोल पंप में रुका हुआ था, वहीं पे रुका हुआ हूँ अभी। और यहाँ से अभी मेरा जो टेंट था, ऊपर का जो रेन कवर होता है वो पूरा गीला हो चुका है, तो वो अभी सूख रहा है। जैसे सूखेगा वैसे निकल जाएंगे यहाँ से। और काशी रही बात बनारस की, तो बनारस हम कल शाम तक पहुँचेंगे। बनारस नहीं पहुँचेंगे, बनारस से 10-15 किलोमीटर पीछे एक मेरे फ्रेंड का घर है, वहाँ पे पहुँचेंगे, वहीं पे रुकेंगे, फिर साइकिल वाइकिल सबसे घर पर सामान उतार कर फिर साइकिल खाली साइकिल लेकर जाएंगे काशी विश्वनाथ, ठीक है, दर्शन करने के लिए महाकाल के और महादेव जी के दोनों के। तो बहुत सारे नाम है ना, उनके कन्फ्यूज जाता। तो अभी सुबह हो गया है, मैं ना पूरी तरीके से देख रहा हूँ, सामान वामान मोड़ के अभी साइकिल पर सेट करना है, फिर निकलना है यहाँ से। तो चलिए इस नए दिन के ब्लॉग को अब यहाँ से स्टार्ट किया जाए। पता नहीं कहाँ एंड होगा, लेकिन स्टार्ट तो यहाँ से करते हैं हंसते हंसते। तब तक लिए पूरा देखिएगा ब्लॉग को लास्ट तक। लेते हैं प्रभु का नाम, बोलिए जय। साइकिल है ठीक है, और सामान पैक हो ही रहा है धीरे धीरे। ये कुछ टेंट था अंदर का, ओके। और ये भाई पूरा गीला हो चुका है, भाई देख रहे होंगे पानी की बूंदे इस पर, पूरा गीला हो गया। सूखेगा वैसे निकलेंगे। उधर जो हमारा रेन कवर है वो भी पूरा, जिससे पंचो मतलब जिससे साइकिल ढका था, वो भी पूरा गीला हो चुका है। तो ये बस सारा सामान मोड़ माड़ करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। ऑलमोस्ट आधा घंटा से ऊपर हो गया है भाई, ये चीज़ें नहीं सूख रही है। ये तो फिलहाल सूख गया है, उसको मैंने पोछ भी दिया ऊपर ऊपर से, बट ये नहीं सूख रहा है, जो पंचो है वो नहीं सूख रहा है। जल्दी से सूख जाएगा, धूप अच्छी निकली पड़ी है फिर भी नहीं सूख रहे। सूखेंगे तो फिर निकलूँगा यहाँ से, क्योंकि गीले लपेटने से एक बार इसमें ख़राबी आ चुकी है, देख सकते हैं आप। तो इसलिए मैं गीला नहीं लपेटूँगा, सब सूखने दूँगा, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर अभी हमने चाय पिया, अब भैया ने हमें चाय दिया। भैया आपका नाम क्या? वेद प्रकाश मिश्रा। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने चाय पिलाया, बहुत अच्छी चाय थी। और फिर यही बगल के पेट्रोल पंप में ही थे हम यहाँ पर, अब यहाँ से निकले हैं। और अभी टाइम हो रहा है 9:20, अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी है यार, जैकेट पहन रखा, गर्मी बहुत आ रही है, जैकेट फूल भी नहीं सकता ना, मुझे बैग में फूल है, मेरा बैग में जगह भी नहीं है। और जो अभी हम हैं NH 731 पे हैं, जौनपुर जहाँ से दिखा रहा है 68 किलोमीटर, और वाराणसी दिखा रहा है 130 किलोमीटर। जहाँ से हमें निकला था वहाँ से जौनपुर दिखा रहा था 76 किलोमीटर। ऑलमोस्ट मतलब हमने 7-8 किलोमीटर का राइड कंप्लीट किया है अभी, और अभी बढ़ते रहना। जौनपुर 68 है, वाराणसी है 130। तो वाराणसी कल तो पहुँचेंगे, कन्फर्म हो चुका है, अब तो लग तो रहा है कल पहुँच जाएंगे वाराणसी। चलो बढ़ते हैं अभी आगे की तरफ। कुछ इस तरह का फ्लाई ओवर है, अभी हमने एक फ्लाई ओवर क्रॉस किया है, तो बस चलो। इधर है एक लभुआ गांव, मतलब लभुआ सिटी जो भी है, लभुआ गांव इधर ही है, और हम ऊपर से जा रहे हैं, अंदर सिटी के अंदर से नहीं, वो ट्रैफिक हो सकता है अंदर। चलो चलते हैं। ये अभी अपनी साइकिल, और ये देखिए हम सॉन्ग सुनते हुए अपना जा रहे हैं। हम बनारस की तरफ बढ़ रहे थे और हमें एक भैया मिले हैं। भैया आपका नाम? तो अभी इन्होंने हमको यहाँ पे रोका, कुछ फोटो वोटो खींची, अभी हम बनारस की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो, अच्छा लगा इनसे मिलकर। भाई लोग, सभी लोगों से एक विनती करना चाहेंगे अभी, अगर आप लोग भी सुल्तानपुर से जौनपुर बनारस इसी रूट से जाना चाहते हैं तो कृपया करके ना जाए। कारण ये है, मैं जहाँ से निकला था सुबह जिस पेट्रोल पंप से, रिलायंस के पेट्रोल पंप से, उसके 30 किलोमीटर बाद जाके मुझे एक पेट्रोल पंप मिला था। मतलब 30 किलोमीटर के दायरे पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था भाई, जहाँ पे मैं रुक कर पानी पी सकूँ सही से। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात थी। तो मेरा काम था आपको बताना है, अगर आप साइकिल या पैदल है, ये वाला रूट तो भूल के भी मत अपनाना भाई, वरना ऊपर से धूप। कल से हाफ टी शर्ट में रहूँगा, तब भी अगर धूप ऐसी निकलनी चाहिए कल से, तो फिर ये देख रहे हो धूप तो भाई बिल्कुल हालत ख़राब कर दिया है। कोई नहीं, फिलहाल अभी हम चल रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि दोपहर के 1-2 बजने वाले हैं। अभी तक कुछ भोजन नहीं किया है फिलहाल, तो मैंने देखते हैं कहीं खोजते हैं कोई ढाबा वाबा मिलेगा तो खाएंगे, क्योंकि कल भी हमने भोजन नहीं किया था, आज करना पड़ेगा, नहीं तो कल से तो साइकिल ही नहीं चला पाऊँगा फिर। चलो देखते हैं, कोई खोजते हैं। दूर दूर देख रहे हो ना आप लोग, ये पीछे ये आगे, भाई पैदल यात्री हो ये रूट कभी मत अपनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमको एक ढाबा मिल गया है, तो अभी हम खाना खाने के लिए बैठ गए हैं अपना, फिर खाना खाते हैं फिर चलेंगे। वहाँ पे अपनी साइकिल खड़ी है, और धूप तो यार बहुत अच्छी हो रही है। अपना खाना सलाद, रोटी और दाल।
भाई अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज चुके हैं, ठीक है, और धूप देख लो आप पीछे, सूर्यास्त होने वाला है। और जो अगला पेट्रोल पंप है वो 1 किलोमीटर है, और जो उससे अगला पेट्रोल पंप दिखा रहा है मैप पे वो कम से कम 38 किलोमीटर दूर दिखा रहा है, नहीं 28 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। इस पर रुकूँगा तो 1 किलोमीटर मतलब इस 5 ही बजे मेरे पास 1-1.5 घंटे टाइम होगा चलने के लिए, और उसके लिए फिर मुझे 28 किलोमीटर राइड करना पड़ेगा। अभी हम उतर रहे हैं यहाँ ब्रिज से, तो चलो देखते हैं किस पेट्रोल पंप पे रुकना है। तो हमको भी इस पर तो नहीं रुकना, होंगे 1 किलोमीटर ही है और अभी टाइम 5 ही बजा, तो अभी नापते हैं घिसते हैं। जो इधर जौनपुर है इधर सूर्यास्त होने वाला है, और ये भाई पता नहीं कैसा ब्रिज है यार, मतलब ऐसा फ्लाई ओवर है कि इस पर मुझे उतरना ही पड़ा। मैं कोशिश कर रहा था नहीं उतरूँ बट तो सुबह थकावट मैं उतर ही जाते हैं, अब उतर उतर के चढ़ा लेंगे वहाँ तक, है कि नहीं। तो वो रहे अपने सूर्यास्त होने ही वाला है, कुछ ही क्षणों में हो जाएगा। इधर है अपने जौनपुर, तो इधर नहीं गया मैं, ऊपर से निकल रहा हूँ अभी वाराणसी, यहाँ से 67 या 68 है, देखते हैं कब तक कहाँ रुकने की व्यवस्था मिलती है, फिर वहाँ रुकेंगे। उसके बाद रोटी है, ये सलाद है, इसमें सब्जी है शायद, और इसमें दाल चावल दोनों मिक्स करके लाए हैं। तो भाई ये कुछ खाना है, और मैं सो रहा हूँ अभी किचन में, पेट्रोल पंप के किचन में, तो अपना बिस्तर वस्तर सब रेडी है, तो चलो बाहर जाके बात करते हैं। भाई हमको अब रुकने की जगह मिल चुकी है, ये अभी टाइम हो रहा है रात के 8 बजने वाले, ठीक है, और ये पीछे एक पेट्रोल पंप है, भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। यहाँ पे आया, हमने मैनेजर से बात किया जो कि बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, और हमको फाइनली रुकने की जगह मिल गई है। साइकिल हमने पेंचों से वहाँ कवर कर दिया है अपना, यहाँ पे एक कमरा सा टाइप का है उसी में सो जाएंगे अपना, और कुछ इस टाइप का ये पेट्रोल पंप होने वाला है। तो बस अभी हम जा रहे हैं, अभी 10 बजे तक खाना आ जाएगा, 10 बजे अपना भोजन वोजन करके फिर हम आराम से सो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो बाकी तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सभी को जय श्री राम।